I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Hey guys, my name is Jyotshna and welcome back to my channel. So guys, नवरात्रि चल रहे हैं और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गरबा लुक मीन्स डांडिया लुक कुछ व्हाटएवर यू से थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक मैंने इसमें क्रिएट करने की कोशिश की है. आई होप कि आपको अच्छा लगे. तो इस लुक में मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल मेकअप नहीं किया है जो आप ना कर पाएं. ये ऐसा मेकअप लुक है जो आप भी अपने घर में इजीली कर सकते हैं. कि ये मेकअप मैंने स्वेट प्रूफ किया है, मतलब कि अगर जैसे डांडिया खेलते खेलते हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, तो वो आपको इससे बहुत कम आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा. तो अगर आप ये लुक देखने में इंटरेस्टेड हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद प्राइमर अप्लाई करूँगी. प्राइमर अप्लाई करने से फाउंडेशन जो होता है वो हमारी स्किन में नहीं अब्सॉर्ब करता है और इससे पोर्स बंद हो जाते हैं. तो जहाँ भी आपके ओपन पोर्स हो वहाँ पे आप प्राइमर की एक लेयर लगा दीजिए, बहुत ही पतली सी. और अब मैं मेबलिन फिटमी फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत ही कम अमाउंट ले रही हूँ उसका, क्योंकि डांस करते वक्त पसीना आता है और स्वेटिंग के साथ आपका सारा फाउंडेशन मेल्ट होने लगता है. तो फाउंडेशन पसीने के साथ ना निकले, तो इसलिए हम बहुत ही कम फाउंडेशन हम यूज़ करेंगे और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर लेंगे नेक एरिया तक. और ईयर भी नहीं बोले आप, एक अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर में ज़रूर इन्वेस्ट करें ताकि आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाए. और अब मैं मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, शेड नेम है इसका शेल. और कभी भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाएं. अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, कोई भी आपके पास पाउडर है तो आप ज़रूर लगाएं. इससे फाउंडेशन आपका लॉक हो जाता है, पसीना नहीं आता. तो इसलिए कोई भी फाउंडेशन के बाद पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी. और अब मैं आई शेडो लगाने से पहले अपनी आई लिड के ऊपर प्राइमर लगाऊँगी. प्राइमर लगाने के बाद मैं कंसीलर लगाऊँगी. कंसीलर लगाने से, ये वाला स्टेप करने से क्या होता है कि आपकी आई मेकअप जो है वो काफ़ी देर तक स्टे करता है और ऑयली नहीं बनता. और इसके बाद आपको पाउडर से सेट कर लेना है, जैसे कि आपने अपने फेस पे किया था, सेम ऐसे ही आपको आई लिड भी पाउडर से सेट कर लेनी है ताकि ऑयल ना आए. और अब आपके पास कोई भी कलर का ब्लशर हो, पिंक हो या कोई भी कलर का हो, तो आप अपने क्रीज एरिया में, ये सॉकेट एरिया जिसे हम कहते हैं, तो इस एरिया में आपको एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है. और अब मैं एक शिमरी कॉपर शेड ले रही हूँ और इसको अपनी हाफ आई लिड पर आपको लगा देना है. और कुछ नहीं करना आपको अपनी हाफ आई लिड पर, या जहाँ तक आप लगाना चाहें, आप पूरी आई लिड पर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको क्रीज एरिया से नीचे नीचे ही लगाना है, जो आपका आई बॉल एरिया होता है. सिर्फ शिमरी शेड सिर्फ आपको वहीं लगाना होता है. और अब आपके पास कोई भी ग्लिटर वाला शेड हो या कोई भी ग्लिटर वाला आई शेडो हो, मैं लिक्विड आई शेडो को यूज़ कर रही हूँ. ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो है, शेड का नाम है रोज़ गोल्ड. और ये वाला मैंने अपने आई लिड पर लगा दिया है, सॉरी शेड का नाम है शैम्पेन शेड है, ये रोज़ गोल्ड नहीं है. और अपनी फिंगर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर दीजिए, सिंपल. और अब अपने आउटर कॉर्नर में आपको एक ब्लैक शेड, या आपके पास कोई ब्राउन शेड भी हो ना, तो आप वो आउटर वी एरिया में हल्का सा ऐसे ब्लेंड कर दो कॉर्नर पे. इससे क्या आता है, हल्का सा 3D लुक आता है आपकी आई में ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है फ़ोटोज़ वगैरह में. और अब आप लिक्विड आईलाइनर लगा सकते हैं. मैं जेल आइनर का यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्वेटिंग आती है डांस करने से अगेन, तो इसीलिए मैं लिक्विड लॉन्ग लास्टिंग वाला आईलाइनर है, वाटरप्रूफ है, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ ताकि मेल्ट ना हो और आईज़ काली काली ना लगे. इसके लिए मैं विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ. आप चाहें तो आप नॉर्मल सिंपल आईलाइनर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं. विंग आईलाइनर लगाने से आपकी आईज जो हैं वो बिग लगती हैं. बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस तरह का विंग्ड आईलाइनर आपको लगाना बताऊंगी. और इस तरह से आप अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा सकते हैं. और अब मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी, क्योंकि बिना आईब्रोज सेट किए हुए फेस पे अच्छी सी गेटअप नहीं आती है. अगर आपकी आईब्रोज बहुत लाइट है, मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसलिए मैं आईब्रो पाउडर का यूज़ कर रही हूँ. ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है जिसमें आपका वैक्स भी आता है और 3 आपके आईब्रो शेड आते हैं.
और अब मैं ग्रीन काजल का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लू काजल है या ब्लैक काजल है, कोई भी काजल हो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास, मैं इसमें ग्रीन काजल लगाना चाहती थी तो इसलिए मैंने ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप वाटर लाइन में भी लगा लेंगे और थोड़ा सा लैश लाइन में भी लगाना है आपको। और अब आई लैशेस को कर्ल करने के बाद आपको मेबलिन कलर सेंसेशनल वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, सॉरी लैश सेंसेशनल मस्कारा है ये। वाटरप्रूफ मस्कारा ही आपको यूज़ करना है, वॉशेबल मस्कारा नहीं, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से आपकी आईज़ काली हो सकती हैं, तो इससे आपकी आईज़ काली नहीं होंगी। और जो आपने पाउडर लगाया था उसको, जो भी एक्सेस था उसको डस्ट ऑफ कर दीजिए प्लेन ब्रश से। और अब मैं थोड़ा सा अपने चीक एरिया में थोड़ा सा कंटूरिंग कर रही हूँ, बहुत ही लाइट ब्राउन शेड। अगर आपके पास कोई हो तो उसे कंटूरिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है कंटूरिंग तो आप सिंपल आप इस तरह से कोई भी अपना फेवरेट ब्लश ऑन लगा सकते हैं। कंटूरिंग तभी कीजिए जब आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, मोटा हो। अगर आपका फेस पतला है तो आपको कंटूरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह मैंने कर लिया है। और अब मैं ओडबो का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये एक सैम्पेन गोल्ड शेड है। और हाइलाइटर अपने हाई चीक बोन्स पर लगाइए या हाई पॉइंट्स आपके फेस के जो हैं वहाँ पर लगाया जाता है, तब कि जब भी लाइट पड़े तो आपका जो हाई पॉइंट्स हैं आपके फेस के वो शाइन करें, एक नेचुरल ग्लो दिखे आपके फेस पे। और अब मैं वेट एंड वाइल्ड की मेगा लास्ट लिपस्टिक लगा रही हूँ, शेड का नाम है मैं अभी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है शेड का नाम क्या है, तो मैं स्क्रीन पे अभी आपको मेंशन कर दूंगी। बहुत ही इसका शेड का नाम है बेरी रिकग्नाइज। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट शेड रहेगा ये। और नवरात्रि के लिए हम थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी करेंगे कि अपनी आईज़ पर और अपने चिन पर हमने ये वाला मार्क्स लगाए हैं जो कि गरबा वाली लड़कियां लगाती हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये लुक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल।